लापरवाहियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाला स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अभद्रता से स्टाफ परेशान। धार जिले का धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा से लापरवाहियों को लेकर चर्चा में रहता है। ताजा मामला आज सुबह ड्यूटी के दौरान डॉक्टर द्वारा स्टाफ से अभद्रता करने का सामने आया है, जिससे आक्रोशित स्टाफ अपने कार्य को छोड़कर कुछ देर के लिए अस्पताल से बाहर गेट पर जमा हो गए, लेकिन मरीजों को परेशान होता देख कुछ मिनट के अपने काम में लग गए। स्टाफ का आरोप है कि डॉक्टर भुवनेश ठाकुर द्वारा लगातार मरीजों के सामने स्टाफ से अभद्रता की जाती है, जिसको लेकर पूर्व में भी लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन आज फिर स्टाफ की महिला से अभद्रता की, बल्कि उक्त डॉक्टर की ड्यूटी भी यहां नहीं है। इसी को लेकर CBMO प्रतीक बोरासी का कहना है कि उक्त डॉक्टर की ड्यूटी मेरे द्वारा नहीं लगाई गई है, कुछ डॉक्टर ट्रेनिंग में गए हैं, इसलिए आपस में बात करके ड्यूटी कर रहे होंगे। स्टाफ से अभद्रता की शिकायत मिली थी, मैं आज ही लेटर निकाल दूंगी। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। सोलंकी, आज ही पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है बाहर खड़े हैं, क्या वजह है? आज सुबह मैं आई तो सर के चैम्बर में बहुत सारे पेशेंट थे। डॉक्टर भुवनेश ठाकुर वो तो कभी कभी आते हैं, इसलिए हमने क्या करा, सारे पेशेंट को लाइन से लगा दिया। सर को गुड मॉर्निंग करा, सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। मैं अंदर साइन करने जाने लगी, सर ने मुझे बोला कि आप बाहर जाओ। मुझे लगा पेशेंट को बोल रहे हैं, मैं दो कदम और आगे बढ़े, बोला मैं आपको कह रहा हूँ आप बाहर निकलो, और आपको अंदर आने की परमिशन किसने दी? मतलब सर हम तो साइन, आप निकल जाओ बिल्कुल, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करना है। मैं बाहर आई, फिर मैंने स्टाफ को बताया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर वापस मैं सर के पास गई, सर तो आप बोले आप क्या, मैं नोटिस निकलवा दूंगा। मतलब सर नोटिस किस बात का, साइन करने सभी आते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे डॉक्टर आए, कभी उन्होंने ऐसे मतलब पेशेंट के सामने इतनी ज़ोर से डांट के हमें बाहर नहीं निकाला। नहीं, मैं आपका नोटिस निकलवाऊंगा, आप जाओ, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करना, आप बदतमीजी कर रहे हो। इससे पहले भी 5-10 दिन पहले उन्होंने ऐसी हरकत की थी, जिसमें नोटिस मतलब लैंग्वेज भी तू तकारे से, गाली जो भी उनको बकना है वो करते ही, 2 बार कर चुके हैं। उसके बाद मैडम से बात करी हमने, तो अभी पेशेंट से भी ऐसी करा उन्होंने। एक बाबा आए थे, उनका BP बढ़ा हुआ था, तो सर देख, हाँ मैं देख लूँगा मेरे हिसाब से, फिर उनको वहीं पे हमने मेडिसिन वगैरह वहीं ला के दे दी। मतलब इस तरीके का व्यवहार इन्हीं का है, इससे पहले बहुत सारे अधिकारी उनको सूचना दी है, लिखित भी सूचना दे चुके हैं मैडम को, CBMO मैडम को, और आज भी हमने उनको इस घटना से अवगत कराया है। मैडम कहती है कि मैं अपने स्तर से कार्रवाई करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका क्या अगला कदम? तो अगली बार फिर सारे कर्मचारी, आज हमें हमारी बेइज्जती करी है, हमको 12 साल हो गए यहाँ पे, और इतने अधिकारी आए हैं, उन्होंने मतलब मान सम्मान, हमारा भी मान सम्मान है, पहले हम कर्मचारी हैं तो इस तरीके से बेइज्जती तो नहीं कर सकते इतने सारे पेशेंटों के सामने। हम सरकारी कर्मचारी और सरकारी भवन में साइन करना हमारा अधिकार है, आप हमको भगा थोड़े ना सकते हो कि बाहर निकलो। चूँकि जो आज घटना हो चुकी है, ऐसा पूर्व में भी हो चुकी है, जिसकी सूचना हमने 25 तारीख को ऐसी घटना हुई थी, और इसकी सूचना हमने अपने उच्च अधिकारी ब्लॉक स्तर पे एक आवेदन दे के प्रस्तुत किया था, पर उसके बावजूद अभी तक उन्होंने कहा है कि कुछ चुनावी कार्यक्रम और ये सब कार्यक्रम देखते हुए इनकी जो भी इनके अगेंस्ट एक्शन लेना है वो उनके स्तर पर निराकरण करेंगे। हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि वो भी एक कर्मचारी है, हम भी एक कर्मचारी है, तो सामान व्यवहार रखा जाए, और साथ में ऐसा देखा जाए कि भैया कोई बाहर से व्यक्ति आया तो आप मरीज के लिए कोई परेशानी ना हो। अभी हम लोग यहाँ से मरीज के लिए वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये व्यवहार हम सहन नहीं कर सकते, बट फिर भी हम मरीजों को परेशानी ना हो इस कारण से हम समस्त कर्मचारी वापस अपना कार्यस्थल पर कार्य संपादित कर रहे हैं। अभी भी हमने कोई कार्य को बाधित ना करते हुए ही हम यहाँ पर आए हैं। बाकी ऐसा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम कार्य को, हमारे साथ अधिकारी, हम अधिकारी हैं तो हम आपको, हमारे शासकीय कर्मचारी को हम कुछ भी कह सकते हैं, जबकि ये उनकी भी एक मनोस्थिति को दर्शाता है जो कि आप गलत तरीके हैं, तो आप इस तरीके से व्यवहार ना करें, और ऐसा हो सके तो भैया आप पहले तो आपका जो स्थान है जहाँ कि आप आदेशित किए गए डॉक्टर हैं वहाँ पर पहले आपका कर्तव्य संपादित करें, उसके बावजूद जो उच्च अधिकारी जैसा सूचना करते हैं उनके हिसाब पर आप यहाँ पर आकर करें। विजय मौर्य, फार्मासिस्ट। आरोप लगाए गए निराधार हैं। अब ये ऑफिस है, यहाँ पे क्या है कि कभी कभी पेशेंट होते हैं हमारे पास, तो उनको बताने के लिए उन्हें कुछ कहना पड़ता है इस बात पे, अगर वो कोई अपना पर्सनल ईगो लेके या कोई भी जबरदस्ती झूठे आरोप लगाते हैं तो उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? उनका कहना ये थी कि आपकी ड्यूटी भी यहाँ पर, मेरे आज जो कर्मचारी है, मेरे अधिकारी ने मुझे आदेश दिए वहाँ के, मैंने ड्यूटी करी है। आपका नाम? डॉक्टर भुवनेश ठाकुर। Subscribe now to most exciting channel ever.